गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई वेबसाइट लॉन्च की गई है, माई स्कीम। इस वेबसाइट में आपको गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, सभी स्कीम्स आपको एक ही वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगी। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी इनका डिटेल्स रहता है, आप इसी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट की एक और खास बात यह है कि इसमें आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे, कैटेगरी वाइज सभी यहाँ पर स्कीम्स मिल जाएंगी, जितनी भी योजनाएं रहती हैं कैटेगरी वाइज आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जेंडर वाइज अपने फीमेल या फिर मेल के थ्रू सर्च कर सकते हैं, और कैटेगरी वाइज सभी यहाँ पर आपको स्कीम्स मिल जाती है। इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि इस वेबसाइट में कैसे आप अपनी स्कीम्स सर्च करेंगे और कैसे आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट की इस नए पोर्टल पर आने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोर्टल का लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं myscheme.gov.in। तो यहाँ पर आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। जैसे इस पोर्टल पर आएंगे, इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सभी के लिए योजना ढूंढना आसान हो गया है माई स्कीम से। यहाँ पर एक ही पोर्टल पर आपको गवर्नमेंट की जितनी भी नई नई स्कीम्स आएंगी सब यहाँ पर ऐड की जाएंगी, और सभी स्कीम्स को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइंड स्कीम बेस्ड ऑन कैटेगरी। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्कीम्स को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर रूरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड 7 स्कीम है, यहाँ पर बैंकिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड 38 स्कीम है, बिजनेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर 17 स्कीम है, यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है, हेल्थ स्कीम है, और नीचे आएंगे यहाँ पर हाउस स्कीम है, यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी स्कीम है, साइंस आईटी कम्युनिकेशन स्कीम है, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट है, सोशल वेलफेयर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर कैटेगरी होती है गवर्नमेंट की, उन सभी कैटेगरी पर जितने भी स्कीम्स है यहाँ पर आपको सभी स्कीम्स मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी स्कीम्स की यहाँ पर आपको डिटेल्स चेक करनी है, तो यहाँ पर आपको उस स्कीम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे सोशल वेलफेयर पर हमें चेक करना है, सोशल वेलफेयर पर हम क्लिक करेंगे। अब सोशल वेलफेयर में देख सकते हैं वी फाउंड 72 स्कीम्स बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। यहाँ पर आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 72 स्कीम्स हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी सारी यहाँ पर जितनी भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की सब यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और एक बड़ी बात कि यहाँ पर आपको सबसे ऊपर राइट साइड में देखेंगे इंग्लिश का ऑप्शन मिलता है, यहीं पर हिंदी पर क्लिक कर देंगे तो जितनी भी योजनाएं हैं आप हिंदी में भी इसे देख सकते हैं। यहाँ पर जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, रोजगार श्रम अकुशल के लिए है। यहाँ पर अब यहाँ पर आप इसको रिसेट भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी क्या है, सभी के लिए 42 स्कीम से यहाँ पर महिला के लिए 22 है, पुरुष के लिए यहाँ पर 5 है, ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर जैसे पुरुष के लिए स्कीम्स देखना चाहते हैं तो पुरुष पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 5 स्कीम्स आ जाएंगी। पुरुष के लिए दीनदयाल उपाध्याय है, सफाई कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त योजना है, ऋण अतिरिक्त RMW है, यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था है, और यहाँ पर RMWF, यहाँ पर ये 5 योजनाएं हैं जो यहाँ पर पुरुष के लिए है। और इसके लिए सभी पर जाएंगे तो सभी के लिए यहाँ पर पर्सनली आप अगर पुरुष को हटा देंगे तो सभी महिला पुरुष ट्रांसजेंडर सभी के लिए देखेंगे। इसे यहाँ पर हमें कोई भी स्कीम्स की डिटेल्स चेक करनी है तो यहाँ पर आपको जो एरो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस स्कीम्स की पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसके प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, इसके जो है तो एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, मई 2019 में ये कैबिनेट के फैसले के अनुसार ये लाया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर बहिष्करण श्रेणियां देख सकते हैं, इसके जो है तो प्रॉफिट देख सकते हैं कि प्रॉफिट क्या है, इसको 3,06,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार की 3 समान किस्तों में 2,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर प्रत्येक 4 महीने में दिए जाते हैं, यानी 4-4 महीने में 2,000 रुपये ये किसानों को ये दिया जाता है। तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लगभग सभी लोग इसे जानते होंगे। इस पर 6,000 रुपये का सालाना आपको केंद्र सरकार की तरफ से सम्मान राशि दी जाती है। यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आधार कार्ड, भू स्वामित्व अभिलेख यानी जो आपका खसरा होता है, बचत बैंक खाता, 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और अधिक अगर इसमें जानकारी चाहिए तो इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे लाभ वगैरह और इसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, आप डायरेक्ट कैसे देख सकते हैं कोई भी योजना का अगर आपको डिटेल्स चेक करना है।
तो यहाँ पर श्रेणियां, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएंगे। यहाँ पर अब आप देख लिया कि कैसे जो है तो आप अपनी कैटेगरी वाइज अपनी स्कीम्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फाइंड करना है तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से ये काम करता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स रहेगी, योजनाएं खोजिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप चूज करेंगे आप पुरुष है या फिर महिला है या फिर ट्रांसजेंडर है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी एज है तो अपनी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी स्कीम्स देखेंगे। यहाँ पर हमने पुरुष चूज कर लिया, अपनी एज चूज कर ली, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, हमारा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप शहरी हैं या फिर ग्रामीण हैं, तो यहाँ पर हम ग्रामीण हैं तो ग्रामीण हमने चूज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सामान्य हैं, आप अपना जो है तो यहाँ पर सामाजिक श्रेणी सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर ओबीसी है या फिर एसटीएससी है जो भी रहेगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या आप दिव्यांग हैं, यानी आप यहाँ पर दिव्यांग हैं तो यहाँ पर चूज करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नहीं कर लेंगे। क्या आप अल्पसंख्यक हैं तो ये नहीं कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आप एक विद्यार्थी हैं, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर लेंगे। क्या आप मौजूदा रोजगार स्थित है, क्या स्थिति है, क्या आपकी मौजूदा, तो यहाँ पर बेरोजगार है तो बेरोजगार चूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बीपीएल श्रेणी से संबंधित है तो यहाँ पर बीपीएल श्रेणी हमारे पास नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपके परिवार की वार्षिक आय, तो यहाँ पर परिवार की वार्षिक आय यहाँ पर अभी हम डाल देंगे, यहाँ पर हमारे परिवार की वार्षिक आय। और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब आपसे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर आप निम्न योजनाओं के लिए पात्र हो सकते हैं, जैसे सामाजिक कल्याण एवं सशक्तिकरण, बैंकिंग, वित्तीय, फाइनेंशियल, यहाँ पर आप स्वास्थ्य बीमा, जो भी यहाँ पर रहेगा आप जितनी भी योजनाओं के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे आपके सामने वो योजनाएं आ जाएंगी। जिसे सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये योजना हमें देखनी है तो यहाँ पर जमा करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये हमारा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसको आप यहाँ पर इसके लिए आप लाभान्वित हो सकते हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके लिए भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना पर क्या है कि यहाँ पर आपको मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यहाँ पर पीएमजीवी ये प्रधानमंत्री के द्वारा है। और यहाँ पर परिवार कर लाभ योजना है, इसको भी आप ले सकते हैं। और भारतीय समुदाय कल्याण कोष है, यहाँ पर जितनी भी योजना रहती है इनका लाभ यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है तो एक ही पोर्टल पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्कीम्स के लिए आप, कौन सी योजना के लिए आप लाभ ले सकते हैं, कौन सी योजना के लिए आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। और एक ही जो है तो पोर्टल पर आपको सभी योजनाओं की जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक पोर्टल पर सभी योजनाओं की जानकारी आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आप काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं। नीलेश 094। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए, टेक केयर।